थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कोई कुकिंग का वीडियो नहीं लेके आई हूँ। मेरी छोटी बहन की रिक्वेस्ट पे मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने कुकिंग के वीडियो कैसे एडिट करती हूँ। आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। यूकट वीडियो एडिटर ओपन करेंगे। इस ऐप में कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गैलरी की सारी फ़ोटो ओपन हो जाएंगी। हमें वीडियो में जो भी फ़ोटो लगानी है उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एरो पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम वीडियोस पे आएंगे और जो वीडियो हमें इसमें डालने हैं उस पर क्लिक करते जाएंगे। एक साथ हम 12 से 15 वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद और वीडियो सेलेक्ट करने के लिए हम फिर से यही प्रोसेस करेंगे। अब पूरे वीडियो को स्क्रॉल करके आगे बढ़ाएंगे और प्लस के निशान पे क्लिक करके मटेरियल पे क्लिक करेंगे और दी एंड की फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ आप कोई भी और फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके फिर से वीडियो की स्टार्टिंग में आएंगे। वीडियो क्लिपिंग पे क्लिक करके वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे और वॉल्यूम को पूरा म्यूट कर देंगे और राइट पे क्लिक करेंगे। अब हम वीडियो का फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, फिर से वीडियो की क्लिपिंग को क्लिक करेंगे, बीजी पे क्लिक करेंगे और 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे। वीडियो मैंने शॉर्ट के लिए बनाया था तो इसे मैंने 9:16 के रेशियो से बनाया था, तो इसे हम रोटेट पे जाके क्लिक करेंगे। ये देखिए फुल स्क्रीन पे आ गया है वीडियो। फिर से वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम पे क्लिक करेंगे। वीडियो को साइड साइड से थोड़ा सा ट्रिम करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे ट्रिम कर सकते हैं, जितना यूज़ का पार्ट हो बस उतना ही लेना है। अब इसके बाद अगर हमें वीडियो की स्पीड बढ़ानी है तो हम वीडियो को फिर से क्लिक करेंगे, ऊपर स्पीड लिख के आएगा, स्पीड पे क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। राइट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी। ये आपको हर क्लिपिंग पे जाके करना है। जिस क्लिपिंग की स्पीड आपको बढ़ानी है आप उस पर क्लिक करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब पूरे वीडियो की तो आपने वॉल्यूम म्यूट कर दी है तो आप रिकॉर्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ऊपर से वॉइस ओवर करेंगे। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। इस तरीके से आप पूरे वीडियो में वॉइस ओवर कर सकते हैं। पूरे वीडियो की वॉइस ओवर के बाद हमें इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है तो एरो पे क्लिक करेंगे और म्यूज़िक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और इसकी वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर से हमें वॉइस ओवर करना है तो इसकी वॉल्यूम हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आप 3 या 4 पॉइंट पे रख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो वीडियो को फिर से स्क्रॉल करिए, वीडियो की क्लिपिंग पे क्लिक करिए, फ़िल्टर के ऑप्शन को क्लिक करिए और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से वीडियो पूरा तैयार हो गया है। अब ऊपर साइड में सेव का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक कर दीजिए, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।